नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। आज हम चर्चा करेंगे आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। आज की ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है और कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी। दरअसल जदयू में लंबे वक्त से चले आ रहे आंतरिक कलह और गुटबंदी का आज उस वक्त अंत हो गया जब मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बताया जाता है कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में ललन सिंह के शामिल नहीं होने से जदयू का एक बड़ा वर्ग और एक बड़ी जाति नाराज चल रही थी। साथ ही सांसद ललन सिंह भी नाराज चल रहे थे और इस नाराजगी की पूरी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी कैबिनेट में सहभागिता तय करने की जिम्मेवारी सौंपी थी। हालांकि आरसीपी सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट में खुद के नाम पर ही मुहर लगाई, जबकि ललन सिंह का नाम काफी चर्चा में तब भी रहा था। तब से ललन सिंह की आंतरिक नाराजगी की खबरें मीडिया में आती रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं और लोगों की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी रही कि आखिर सीएम ललन सिंह की नाराजगी को कैसे दूर करते हैं। बताया जाता है कि तभी से ये कयास लगाया जाने लगा था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कम पर कतई नहीं मानेंगे। हालांकि ललन सिंह लोकसभा में पहले से ही जदयू के संसदीय दल के नेता भी हैं और आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने ललन सिंह के साथ ही अगड़ी जाति की नाराजगी को भी भरसक दूर करने की कोशिश की है। ललन सिंह को जदयू का चाणक्य भी कहा जाता है। हाल ही में लोजपा प्रकरण के दौरान मीडिया में ललन सिंह का नाम काफी चर्चा में रहा। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी की कमान देकर बीजेपी को भी कमजोर करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में अगड़ी जातियां भाजपा की कोर वोटर मानी जाती हैं और अगड़ी जातियों में सांसद ललन सिंह का बड़ा पैठ माना जाता है। सांसद ललन सिंह खुद ही अगड़ी जाति से आते हैं। उनके अध्यक्ष बनने से अगड़ी जाति जदयू से नाराज जो चल रही थी वो एक बार फिर से जदयू की तरफ मुखातिब हो सकती है। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में अगड़ी जातियों की केंद्रीय कैबिनेट में काफी कम प्रतिनिधित्व देखा गया था, जिसके बाद अगड़ी जातियां बीजेपी से निराश चल रही थी और इस बात को नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे थे। आखिरकार ललन सिंह को अध्यक्ष बनाकर उन्होंने वही किया जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, यानी एक तीर से कई शिकार। अध्यक्ष बनते ही बिहार में जगह जगह जश्न मनाया जाने लगा। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते और गुलाल लगाते भी नजर आए। राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम ललन सिंह की सांगठनिक क्षमता से वाकिफ है, अतः ललन सिंह के अध्यक्ष बनने से जदयू और अधिक मजबूत होगी। तो भी पूरे प्रदेश से, पूरे सूबे से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पूरे सूबे में ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जश्न का माहौल है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट प्रत्येक न्यूज लाइव के साथ। माननीय ललन बाबू की जो राजनीतिक भूमि रही है वह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से प्रारंभ है। उनके सहयोगी रहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सहयोगी हर स्थिति में खड़े रहे और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका आत्मीय लगाव है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया वही सर्वमान्य नेता है। उनका जो फैसला आया है वो स्वाभाविक है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विरोधी परेशान है, ये चिंता का विषय विरोधियों के होना चाहिए। हमारे दल के कार्यकर्ताओं में तो जानदार शानदार और दमदार उत्साह है। पार्टी आगे कैसे काम करेगी? नए अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको मीडिया में बताए। इतना हम जरूर कहते हैं कि माननीय ललन बाबू कार्यकर्ताओं को प्यार सम्मान देते हैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऐसे राजनीतिक सहयोगी हैं जो तार्किक रूप से आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में संसदीय दल के नेता होकर के अपनी बात को रखते हैं और अब पार्टी को मौका मिला है कि देश क्या जानेगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार जैसे राज्य में कैसे शानदार और जानदार काम किया। मुख्यमंत्री और ललन सिंह के अलावा का भी नाम सामने आ रहा था कि मीडिया ट्रायल चलता है। मीडिया ट्रायल नहीं होता है, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी का पोलिटिकल ट्रायल चलता है। एक फैसला सर्वसम्मत फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन और उसकी सहमति सब लोगों को तरह तरह के लोग कयास लगाते हैं। जनता